नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों आज 4 जनवरी दिन मंगलवार, जानते हैं आज का अमरूद का क्या कुछ बाजार चला। दोस्तों एक रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, वीडियो देख के खींच के मत करो। जानते हैं जो अपना ये राजस्थान वाला सवाई माधोपुर का अमरूद और ये इनके पास ये VNR अमरूद। VNR दोस्तों कई जो ने पूछा VNR क्यों, VNR ये जो कंपनी पहले जाई थी वो VNR कंपनी थी, उसके बाद तो दुनिया इसको लगा रही, अब इसका नाम ही मोटे अमरूद का VNR पड़ गया। जानते हैं भाई साहब के पास आज का कैसा बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब आज का अपडेट करो, गाड़ियाँ कितनी, मार्केट क्या पोजीशन। देखिए अराइवल ज़्यादा नहीं है, अराइवल रोज की तरह 7 से 8 गाड़ी, 9 गाड़ी के करीब। अच्छा जी, और पोजीशन बहुत डाउन है। अच्छा जी राणा जी, आज की पोजीशन पता नहीं, आज खुद ही नहीं अपने आप को समझ में आया कि आज मंडी का माहौल क्या है और बाजार का माहौल क्या है। अच्छा जी, ये इसलिए कि कम से कम 10 बजे तक, 9:30 बजे तक तो कोई ग्राहक ही नहीं निकला, ऐसा लगा या तो बिल्कुल छुट्टी हो गई ग्राहकों की। अच्छा जी, वो इस करके बस कुल मिला के वही नाइट कर्फ्यू का मामला है। हाँ हाँ हाँ, वो इसलिए कि देखिए अब ये जैसे VNR के जो 2 नंबर के माल सारे हैं, 2 नंबर अब तक ये 2 नंबर सारे बिक जाते थे। अच्छा जी, इसका ना बिकने का रीजन है, हाँ जी, कि जो गरीब तबके का विक्रेता होता है, जैसे रेडी पटरी वाले बेचारे जो रेडी पटरी पे बेचते हैं माल, हाँ हाँ, गलियों में घूम घूम के बेचते हैं माल, तो उन लोगों के लिए जो है कि कम से कम 9-10 बजे तक की मार्केटिंग करते हैं, लेकिन अब ये 7 बजे 8 बजे मार्केट बंद करवा दी जा रही है। अच्छा, तो इस करके ये 2 नंबर के माल अभी उठने जो कि बिका नहीं है। अच्छा, तो इसकी क्या पोजीशन चल रही है ये 20-25 जहाँ बिक जाए। अच्छा जी, और 1 नंबर के जी वो जैसे एक नंबर की पोजीशन आज की है आपकी, 1 नंबर की पोजीशन है राणा जी, जो कि बढ़िया मालों की पोजीशन तो है 60-65 रुपये की थी। अच्छा, और हल्के मालों की कोई पोजीशन नहीं है, 50 बिक जाए, 55 बिक जाए, 60 बिक जाए। अच्छा जी जी, अभी ये बिक लिए करा रहे नहीं, ये वाले तो बिक लिए अभी, ये सारे लाट पड़े 2-3 लाट, ये इधर देखो ये जो हल्की क्वालिटियों के माल है ये सब, ये अच्छा सारे माल जो चित्ती वाले माल है ये वाले। ये किस रेंज के हैं ये, जो भी कह नहीं रहा हूँ, 45 बिक जाए, 40 बिक जाए, 50 बिक जाए, जहाँ भी ग्राहक मांगेगा देना वहीं पेल देंगे जी। हाँ अच्छा जी, अच्छा, और ये एप्पल वेयर नहीं आया भाई आज? नहीं एप्पल वेयर तो नहीं आया, एप्पल वेयर की पोजीशन बढ़िया, एप्पल वेयर की पोजीशन 450-450 रुपये की है। अच्छा बढ़िया, हल्के माल जो है कि 250-250 जहाँ भी बिक जाए। अच्छा, और अंगूर कब आएगा? ये ऐसा माहौल इसलिए हो रहा है कि जो बढ़िया क्वालिटी की चीज़ होती है वो अपनी जगह ही बिकती है। अच्छा जी, बढ़िया चीज़ सभी पसंद करते हैं। अच्छा जी, आपको अगर कोई देखेगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिजेक्ट करेगा। हाँ हाँ हाँ, पसंद आपको भी कर लेगा। तो फिर भाई साहब जैसे वहीं पर बिक रहे खेतों में अंगूर बढ़िया वाले? हाँ बढ़िया वाले अंगूर तो वहीं बिक रहे हैं। देखिए अभी क्या है ना कि किसानों का फोन आ रहा है अंगूर के लिए, थोड़ी सी अभी जो है कि उठाव कम था अंगूर का, इस करके अभी हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, अभी तो अमरूद में लगे पड़े हैं। अच्छा, हालांकि इस बार अमरूद का काम, अरे अंगूर का काम अपना होगा कम से कम। चलो आज अंगूर की मंडी में जाके देखूं वहां क्या पोजीशन है। पोजीशन यही बिक रही है, 2-4 बंदों को पटाऊंगा जो रेट बोलने के लिए तैयार नहीं। यार रेट नहीं कैमरे के सामने बोलते, 400 रुपए से लेके 650-700 तक जो व्हाइट वाला बिक रहा है। अच्छा, और काले वाले की पोजीशन है आपकी 80 रुपए से लेके 90-95 रुपए, यानी किलो के हिसाब से। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, और ये सवाई माधोपुर के रेट आज चल रहे हैं, आज का अपडेट है ये, अराइवल थोड़ी सवाई माधोपुर की ज़्यादा है, तो इस करके जो है कि आपकी 20 रुपए से लेके 25-30-35 रुपए तक के पोजीशन हम बढ़िया मालों के। अच्छा जी, अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। बात करते हैं भाई साहब के पास अमरूद की, जानते हैं इनकी दुकान पर भी आज का अमरूद का क्या बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी क्या बाजार चला जी? 55-60 रुपए चला आज का बाजार। अच्छा जी, जी ये रतलाम वाला ही? रतलाम वाला जी। और महाराष्ट्र वाला? महाराष्ट्र वाला थोड़ा सा आज धागी की शिकायत है महाराष्ट्र में। अच्छा जी, और उसमें महाराष्ट्र का माल बड़ा खूबसूरत है, महाराष्ट्र के माल में थोड़ा सा माल पुराना हो गया ना। अच्छा जी, उसमें थोड़ी धागी की शिकायत है। और वो अपना दोबारा स्ट्रॉबेरी नहीं आई भाई? स्ट्रॉबेरी नहीं आई, रेड डायमंड आया है। अच्छा, रेड डायमंड अमरूद? हाँ, तरबूज की तरह बिल्कुल लाल जो है। अच्छा जी, वो पहले भी आपने दिखाया था जी? पहले भी दिखाया था। उसका क्या बाजार चला भाई? नंबर में बाजार चला उसका। अच्छा, और स्ट्रॉबेरी कब आएगी जी? स्ट्रॉबेरी अभी देखो जो किसान के ऊपर की बात है, वो उसका जब बगीचे में तैयार हो जब आएगी स्ट्रॉबेरी। अच्छा जी, ये महाराष्ट्र से ही आएगी? जी जी। अच्छा जी, अच्छा, और पपीता भी नहीं आया दोबारा? पपीता नहीं। अच्छा जी, ये दोस्तों आप ये दुकान का नंबर है आपकी? ये दुकान का नंबर है दोस्तों, ये इनकी दुकान का नंबर है, इनका एड्रेस है। धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। दोस्तों बात करते हैं अब विदेशी फलों की,
जानते हैं जैसे विदेशी फलों में जैसे इनके पास आपको सब किस्म के जो फ्रूट मिलेंगे, जो इनकी ये जो एसी गाड़ियों में एसी कंटेनर है, इनके पास अपनी खुद की ये शिपमेंट आती है। ये दोस्तों जो बाहर के मुल्क हैं उनसे बाय शिप आता है माल और फिर इनके पास ये डायरेक्ट एसी कंटेनरों में आता है। जान लेते हैं भाई साहब की दुकान पर आज का क्या क्या माल है। वैसे तो ये स्पेशली इनके पास आज आपको हर किस्म का फ्रूट मिलेगा, पर ज़्यादातर ये स्पेशलिस्ट कुछ लोगों की डिमांड थी कि खजूर का भी दिखाओ, तो ये खजूर के तो स्पेशलिस्ट ही हैं। जानते हैं भाई साहब की दुकान पे आज क्या क्या रेट हैं विदेशी फलों के। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी क्या नाम है जी? लो जी, मेरा नाम श्याम किशोर शर्मा जी। अजय श्याम किशोर शर्मा जी, तो आपका डिपार्टमेंट ये फ्रूट के लिए है जी? जी सर, हम तो फ्रूट का ही है। फ्रूट के रेट बताओगे का नाम है? अच्छा जी, तो ये कहाँ का माल है भाई साहब जी? वो टर्की का है, रेड डिलीशियस सेब है। अच्छा जी, इसका क्या प्राइस है जी? उसका प्राइस 2800 रुपया जी। अच्छा जी, और वजन इसमें 18 kg। और ये क्या चीज है? वो गाला एप्पल है। हाँ जी, हाँ जी, 2500 रुपये का। और वजन? वजन उसमें भी 18 kg। ये इजिप्टियन मैंड्रिन है, बहुत ये बहुत तो मीठा, बहुत बढ़िया। तो हाँ जी, तो ये क्या रेट है जी? ये 9-10 kg बॉक्स समेत है, इसका 1800 रुपया रेट है। और वजन 9-10 kg? हाँ जी, 1800 रुपये रेट। और ये ग्रेपफ्रूट? ये ग्रेपफ्रूट है जी। हाँ जी, इसका क्या बाजार? 15 किलो का बॉक्स होता है। हाँ जी, ये 200 रुपये kg है। 200 रुपये kg? हाँ जी, ठीक ठीक। और ये माल्टा? ये माल्टा है, इजिप्टियन माल्टा ये है। हाँ जी, 15 किलो है। हाँ जी, हाँ जी, इसका रेट जी? इसका रेट भी 1800 रुपये। अच्छा, और वो चाइना वाला अंगूर नहीं आ रहा अभी अपने पास? चाइना ग्रेप्स? हाँ जी, वो अभी इस टाइम नहीं है, वो भी आएगी। अच्छा जी, अगले महीने से वो भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और कीवी भी नहीं आज? कीवी खत्म हो गई, कीवी भी आती है अपनी। अच्छा जी, अच्छा, और जो अपने पास लोगन लीची आती थी वो? लोगन लीची अभी खत्म हो गए, उसके सीजन अब आएंगे 1-2 महीने बाद। अच्छा, तो खजूर का रेट को नमन जी बताएंगे फिर हमको? हाँ, खजूर का रेट पता हो जाएगा। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने टाइम दिया जी। हाँ जी सर, नमस्कार। तो भाई साहब अपना नाम जी पहले? मेरा नाम नमन सेठी। इधर हो जाओ, वो पीछे से शिपमेंट उतार के जा रहे जी, इधर हो जाओ। मेरा नाम नमन सेठी है। हाँ जी, हाँ जी, आज हम आपको खजूर के रेट बताएंगे। अच्छा जी, ये तो हमारे यहाँ पे है स्पेशल नेचुरल डेट्स किंग मेटजूल। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत बम्पर साइज जी इसका, तो बहुत अच्छा साइज है, सुपर साइज है। अच्छा जी, बिल्कुल नया माल है, नवंबर की पैकिंग है और दिसंबर की पैकिंग कल आ जाएगी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। तो ये कौन सा है जी? ये कहाँ? ये किंग सोलोमन रेट्स, ये है इजराइल का। अच्छा जी, हाँ जी, तो इसका क्या कुछ प्राइस है भाई साहब जी? ये चल रहा है अभी 1100 रुपये किलो। 1100 रुपये किलो? हाँ जी। अच्छा, और ये भाई साहब जी? ये है ताज सफावी, ताज रेट्स है, ये है आपका 550 रुपये किलो। 550 रुपये किलो? हाँ जी, ये भी कुछ जबरदस्त क्वालिटी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, ऐसा साइज अभी तक कहीं नहीं आया। ये आप होलसेल के रेट हैं? होलसेल के रेट हैं, होलसेल के रेट है। अच्छा जी, हाँ जी। और ये जी? जो भी यहाँ पे हमारे पास आएगा उसको हम रेट बिल्कुल बढ़िया लगा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ये होती है अजवा वो? हाँ जी, ये अजवा है, ये सऊदी अरेबिया की है। अच्छा, ये जहाँ मक्का मदीना है वहाँ पे ये उगती है। अच्छा, तो वहाँ की स्पेशल खजूर है ये अजवा। हाँ जी, ताज अजवा बोलते हैं, ताज अजवा। इसका रेट है 750 रुपये किलो। अच्छा, हाँ जी, जो वहाँ के स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट जो मक्का मदीना में होती है, ये मक्का मदीना की स्पेशल है ये। अच्छा, नहीं, ये अजवा है। हाँ जी, इसमें दो कैटेगरी आती हैं, एक अजवा ए है, एक अजवा बी है। अच्छा जी, हाँ जी, ये जो हमारे पास है ये अजवा ए क्वालिटी है। अच्छा जी, बम्पर साइज है, सुपर साइज है। तो क्या रेट बताया आपने इसका? इसका है 750 रुपये किलो। 750 रुपये किलो? हाँ जी। और जी, ये है आपका फर्द आधा किलो में, 500 ग्राम पैकिंग में। अच्छा जी, हाँ जी, इसका क्या प्राइस है जी? इसका लग जाएगा 262 रुपये किलो। 262 रुपये किलो? हाँ जी। और ये जी? ये है फर्द एक किलो में। अच्छा, यही चीज? यही चीज, एक किलो। अच्छा, एक किलो का बॉक्स है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या रेट जी? ये चल रही है 260 रुपये किलो। 260 रुपये किलो? हाँ जी। और ये जी? ये फर्द आई है आधा किलो में। अच्छा, यही हाँ चीज है, ये अभी न्यू ईयर की क्रिसमस की पैकिंग है। अच्छा, बिल्कुल नया माल है, दिसंबर की पैकिंग डेट है इस पे। अच्छा जी, तो इससे अलग है जी, ये डेट ऑफ पैकिंग है इस पे दिसंबर। अच्छा जी, हाँ जी, तो ये जो शिपमेंट उतर रही आज इसी में से आई है? नहीं, आज इसमें से नहीं आई, ये हमारा अपना ही माल है, एक दो दिन पहले आया था ये माल। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो इसका क्या प्राइस है भाई? ये है 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो? हाँ जी। अच्छा, तो हाफ केजी का एक सिंगल बॉक्स कोई भी मंगाएगा 150 प्राइस तो इसके ऊपर है, यानी ये MRP है, ये 250 लिखा हुआ है। हाँ जी, 250 रुपये। हाँ जी, आगे रिटेलर को भी मार्जिन चाहिए ना बेचने के लिए। अच्छा, तो हम देते हैं 300 रुपये किलो। अच्छा जी, हाँ जी, 150 रुपये का एक बॉक्स पड़ जाएगा, 150 रुपीज़ का। अच्छा जी, हाँ जी। और ये कीमिया? ये है कीमिया,
कीमिया गोल्ड, इसको बोलते हैं मजाफाती। अच्छा, मजाफाती इसका वैरायटी का नाम है। अच्छा, और ये है आपका 220 रुपए किलो। 220 रुपए किलो, 110 रुपए का आधा किलो का पैकेट। अच्छा जी, और ये जी भाई ये भी मजाफाती है, ये भी बिल्कुल नया माल है, ये भी बिल्कुल दिसंबर में। और इसमें कोई अंतर है जी? कोई अंतर नहीं है जी, ये माल ज्यादा बढ़िया है उल्टा। और इसका जी, इसका, जी, इसका प्राइस भी अच्छा है। अच्छा जी, इसका प्राइस है 100 रुपए एक पैकेट का, 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो, हाँ जी। अच्छा, ये बिल्कुल थोक का रेट। तो ये आपके पास इतनी किस्म की खजूर है जी? हाँ जी। और भी है जी इसमें कोई? नहीं, बस यही क्वालिटी है अभी हमारे पास। अच्छा, ये तो आपके वही नक्सोजा के प्रोडक्ट है आपके? हाँ, ऑर्गेनिक ही है। हाँ, सारे के सारे हमारे पास काजू है, किशमिश है। अच्छा जी, तो इनका भी रेट बता दोगे आज? समय नहीं आज इतना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जी बोलो, इसका है मामरा, ये लगेगा आपको 450 रुपए का जार। 450 रुपए का। और वजन कितना है इसमें? वजन इसमें है 210 ग्राम। अच्छा जी, ये ईरान की है मामरा, इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड है? हाँ जी, सारा यानी इसमें ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। अच्छा जी, और ये जी ऑर्गेनिक है। ये काजू है, गोवा का काजू है ये। हाँ, स्पेशल W180 नंबर काजू है ये। अच्छा जी, हाँ जी। ये आपको लगेगा किलो के हिसाब से 1600 रुपए किलो। किलो के हिसाब से 1600 रुपए किलो। स्पेशल क्वालिटी होती है? क्वालिटी है। अच्छा जी, ये शायद आपको नहीं मिलेगा। और ये क्या चीज है? ये न्योजे है, पाइन नट्स। अच्छा जी, हाँ जी। इनको जो है ये भी अपना इम्पोर्टेड होते हैं। हाँ जी, और ये है आपका 6200 रुपए किलो। 6200 रुपए किलो। हाँ जी, तो अच्छा, ये आपकी जैसे पैकेजिंग है। हाँ जी, ये 200 ग्राम की है, ये 1300 रुपए की लगेगी। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा, तो जो भी आपके यहाँ से ऑर्डर करेगा उसको हम डिस्काउंट देंगे। अच्छा जी, और ये जी? ये है पिस्ता। अच्छा जी, ये है अकबरी पिस्ता। ये कहाँ का है जी? ये है ईरान का। हाँ जी, ईरान का। ईरान का, हाँ जी। तो इसका क्या प्राइस है भाई साहब? इसमें ये है आपका लगेगा अभी 1660 रुपए। 1660 रुपए के जी थोक का रेट। अच्छा जी, अच्छा, होलसेल के ही रेट है? इनके रेट रोज चेंज होते हैं। हाँ जी, रोज नए रेट है इनके। और ये क्या चीज भाई? ये पिस्ता है छिला हुआ, पकड़ो दो। ये 3000 रुपए किलो है। अच्छा जी, हाँ जी। पिस्ता है छिला हुआ जो उसके अंदर होता है वो? हाँ जी। अच्छा, पिस्ता गिरी गिरी है? गिरी गिरी है। अच्छा जी, अच्छा, 3000 रुपए किलो जी। हाँ जी, ठीक है। और ये जी, ये तो वही चीज है? ये हैं, ये छोटी पैकिंग में 125 ग्राम की। अच्छा जी, हाँ जी। और ये क्या? ये रोस्टेड काजू है। अच्छा जी, हाँ जी। इसका रेट होगा 1600 रुपए किलो। अच्छा जी, अच्छा। तो ये जो भी आपने प्राइस बताए ये होलसेल के प्राइस है? तो ये जो फ्रूट भी आपके पास ये मिलेंगे ये होलसेल के ही है? यहाँ पर भी पूरा बॉक्स मिलेगा? अच्छा, ये तो काफी प्रोडक्ट है आपके नेक्सोजा के, जो मैंने आपकी पहले एक बार छतरपुर में, कहाँ पर थी वो? टैगोर गार्डन में आपकी वीडियो बनाई थी। धन्यवाद भाई साहब जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर जी, फिर भी एक बार अपनी दुकान का एड्रेस? दुकान का एड्रेस C79 न्यू फ्रूट मार्केट, आजादपुर मंडी, हाँ जी, नई दिल्ली 11003। अच्छा, एग्रो वर्ल्ड के नाम से हमारी कंपनी। एक कार्ड दिखा दो जी। हाँ जी दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इनके पास 12 महीने आपको ये विदेशी फ्रूट और खजूर मिलेगी। हो सके तो निचले वाले नंबर पे फोन कर लेना नमन सेठी, जिन्होंने आज ये हमको प्राइस बताए। दोस्तों बात करते हैं नारियल की, जानते हैं नारियल का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ी आई। आ तो 1 2 3 4 प्रधान समेत सारे आड़ती आ तो यहीं पर बैठे, और भाई साहब ये करेले का जूस पी रहे, जान लेते हैं करेले का है ये क्या है क्या जी? हाँ जी, करेले का, नीम का, एलोवेरा का, घी का। अच्छा, इसके अंदर मिक्स है वो जो आप थोड़ा तबे ढिल्ली होगी थी उसके कारण जी? उसी के कारण। अच्छा, जो ढिल्ली है शुगर होगी ना भाई साहब? अच्छा जी, पता नहीं चला पहले आपको भी? परमानेंट रहेगी मेरे को ऐसे लग रही है। अच्छा, बादाम भी आए हैं जी। अच्छा, बादाम भी मंगवाए बाहर। ये स्पेशल होते हैं जी? ये शुगर के बादाम है सर। अच्छा, आप खा के देखो बहुत कड़वा। एक बादाम खा ले, अरे तो तेरी सारी जो है ना अंदर दिलिद्दर बड़ा दूर। अच्छा जी, तो ये बादाम स्पेशल है जी ये? अच्छा जी, ये ना भाई शाम लो जी, नारियल का अपडेट कर दो जी। नारियल का क्या अपडेट करें, 18 गाड़ी ताजी है, 13 गाड़ी बैलेंस है, 31 गाड़ी का अराइवल है। अच्छा जी, माल बिक रहा है 24 रुपए से लेकर 28 रुपए तक। अच्छा जी, बाजार से उस तक ग्राहकी बहुत कम है। अच्छा, 24 से 28 रुपए। और दो नंबर में जी? दो नंबर बिक रहा है 18-20 रुपए। अच्छा, अभी तो ये फिर गाड़ियाँ खुली भी नहीं आज? ये परसों की आई हुई है, अभी तक ऐसी खड़ी है। कल खोलेंगे इसका, चौथा कल होगा। अच्छा जी, टाइम दे दिया, कल पर बुधवार है, कल नहीं करेंगे परसों होगा। अच्छा जी, अच्छा। और ये भी नहीं बिकी अभी, ये खुली हुई, ये भी नहीं इसमें से भी माल नहीं उतरा? इसमें माल जाना है, 2500 जाना है अभी। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद जी। बात कर लेते हैं भाई साहब के पास भी, जो है अपना नारियल आया, इनके पास एक गाड़ी ये आई नारियल की और एक गाड़ी ये आई, ये बढ़िया वाली है, ये थोड़ा खुजली वाला नारियल है जिसमें दाग पड़ रहे।
हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी, ये क्या कुछ चला जी आपके पास जी? आज का ये 25 से 26 रुपए तक का रेट है। नंबर वन का, नंबर वन का रेट। अच्छा, और ये खुजली वाला? ये वाला ये चल रहा 20 रुपए का रेट है आज। अच्छा जी, अच्छा हाँ जी, ये 25-26, ये 20 रुपए। हाँ जी अच्छा। हाँ वो भाई साहब पीछे बता रहे भी आज गाड़ियाँ ज्यादा हैं, गाड़ियाँ भी कुछ ज्यादा हैं, कुछ मार्केट भी बहुत डाउन है आज, और ठंड की वजह भी है। हाँ जी ठंड भी है थोड़ी। अच्छा जी धन्यवाद दोस्त, अपना मोबाइल नंबर बोल दो। मोबाइल नंबर 99996-723-724। अच्छा धन्यवाद जी। बात करते हैं नार की, जानते हैं भाई साहब के पास आज का नार का क्या कुछ बाजार चला है इनके पास। ये कई किस्म के नार है, जान लेते हैं आज की मार्केट। जैसे इनके पास देखो है कच्चे नार भी बेच दिए किसी किसान ने, छोटे छोटे रिट्ठे तोड़ के। जान लेते हैं क्या कुछ इनकी दुकान पे आज का रेट चला। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का कैसा का बाजार चला जी, क्या मार्केट कह रही है अपने? हाँ जी मार्केट ठीक है जी, कल जैसी मार्केट है, मोटे माल बिक रहे हैं 1,900 रुपये जी, जो अति ज्यादा ही बंपर है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो कितना का माल आ रहा है जी मंडी में? बहुत कम आ रहा है जी वो। अच्छा, जैसे 500 का लाट आता है तो समझो 15-20 डब्बा आता है उसमें। अच्छा जी अच्छा जी, छोटा माल ज्यादा आ रहा है अभी। अच्छा जी, तो इनका मीडियम माल जो छोटे माल इनका ये चला है जी 500 रुपए का। अच्छा, सेल तो बहुत भारी है जी। हाँ। कलर भी है जी इसमें तो। हाँ जी 500 रुपए चलाया जी। और ये जी? ये चलाया जी 450 रुपया। फिर इससे बड़ी जो नंबर वन है जी वो कितना मोटा है जी? फिर वो है 300 ग्राम का साइज है जी, यानी एक किलो में तीन दाने की एवरेज समझो। अच्छा जी, तो वो 1,000 रुपए का बेचा है जी। अच्छा जी हाँ जी, ये 450 के ऐसे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये ऐसे से जी? ऐसे यही 300-350 रुपए जी। और ये कच्चे वाले? ये 100 रुपए बिके, 125 रुपए बिके। 100 रुपए में 10 किलो है तो 10 रुपए किलो रह गया जी? ना 10 रुपए किलो कहाँ रह गया जी। हाँ जी, पैकिंग खर्चा भाड़ा मिलाव तो कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा क्यों माल भेज रहे जी वो? कच्चा माल है, थे 15-20 डब्बे किसान ने भेज दिए। अच्छा जी हाँ जी, जो 100 रुपए का उसका बिक रहा जी ये, फिर तो सब खर्चे में ही बराबर हो जाएगा जी। खर्चे में बराबर हो जाएगा जी ये तो। हाँ उसको तो कुछ भी नहीं मिलने का जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इससे अच्छा तो अपने खेत में खाती लगा लेता जी इसका वो। सही बात कह रहे हो आप। हाँ जी, तो फिर नॉर्मल पोजीशन क्या चली जी मीडियम आज की, जो बाजार भाव है? नीचे 250 रुपए से लेके जी ऊपर 700 रुपए तक नॉर्मल पोजीशन है। अच्छा जी हाँ जी, जैसा माल होगा उसी जैसा माल है वैसा। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो बिक रहे हैं 800-1,000 रुपए जी। अच्छा जी अच्छा, 12 दाने बिक रहे हैं 700-800 रुपए, 10 दाना जिस पे लिख के आता वो बिक रहा है 1,000 रुपए। अच्छा जी हाँ जी, धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। ये बिक लिए जी करा रहे जी अभी? ये अभी बिक रहे हैं, थोड़े थोड़े रह गए माल। अच्छा जी हाँ जी। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर बोल दो जी। दुकान का नाम है जी शिवेक फ्रूट एजेंसी, B932 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, 9818661251। अच्छा जी धन्यवाद सर जी जानकारी देने के। ओके सर। दोस्तों बात करते हैं खरबूजे की, जानते हैं खरबूजे का और अंगूर का क्या रेट। वैसे अंगूर आज इनकी दूसरी दुकान में बिक रहा है, जहाँ पर अंगूर मंडी है वो वहाँ जाके पता करेंगे, वो भी खरबूजे का यहाँ पता कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी क्या रेट चला जी खरबूजे का बता दो। खरबूजे का रेट है जी 500 रुपए से लेके 550-600 रुपए तक है, जो बहुत पीले वाला, ये थोड़ा ग्रीन में है, ये 550 रुपए की पोजीशन है। बॉबी जी है? बॉबी की जी। अच्छा जी अच्छा, और अंगूर भाई साहब वहीं बेच रहे मंडी? हाँ भाई साहब अंगूर बेच रहे हैं। ऐसे जो हरे माल हैं, जो पीले माल हैं, वो 700 रुपए तक बिक रहे हैं, ऐसे माल जो है 500 रुपए से लेके 600 रुपए की रेंज के। चलो वहीं जाके आऊं जी। और ये अनार आया है? अच्छा जी, ये अनार का क्या बाजार? अनार की पोजीशन जो ऐसे छोटे मीडियम माल है, इनकी पोजीशन जो है आप ये समझो, इनकी पोजीशन आप समझो 500 रुपए 450 रुपए की है जी। अच्छा जी, और ये ऐसे मोटे मालों की पोजीशन 800 रुपए तक है जी। ये तो काफी बड़ा साइज है जी। हाँ फिर भी अच्छा साइज है, ये राजस्थान का माल है जी। अच्छा राजस्थान है जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा गुजरात नहीं यार अपने? गुजरात नहीं, राजस्थान आ रहा है। अच्छा जी अच्छा, ये अपनी दुकान है। अच्छा जी, और मोबाइल नंबर क्या है जी अपना जी? मोबाइल नंबर है 9873974995। अच्छा जी अच्छा, धन्यवाद दोस्त, पहले उधर जाके आऊं मैं। हां ठीक है, जय श्री राम भाई। दोस्तों बात करते हैं अंगूर की। देखो आपका काफी रिक्वायरमेंट थी कि अंगूर की मंडी दिखाओ, ये है दोस्तों अंगूर की मंडी, यहां सारे में आपको अंगूर ही अंगूर मिलेंगे। अभी वैसे जो मेरे पर्सनल बंदे हैं यानी कुछ आड़तियां जो बता देते हैं उनके पास तो चलानी हुआ अंगूर, और ये कुछ अब से मैं कहूँ कोशिश करी कुछ उन्हें बताया नहीं, पर आज जो अपने अनार बेचते हैं भाई साहब इनके पास आ चुका, पहले सन्नी भाई के पास भी आया था, और जो वो अपना सुरेश सीकरी जी है उनके पास भी आया था, कईयों के पास आया था थोड़े माल। आज इन भाई साहब के पास अंगूर आया, जानते हैं आज की क्या कुछ पोजीशन है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी क्या कुछ बाजार चला जी?
भाई साहब अंगूर का बाजार समझो 500 से लेकर 600 650 रुपए तक सफेद का, ये वाला जी। हाँ जी हाँ जी, ये शोलापुर का, शोलापुर का 500 से लेकर 600 से 650 रुपए। आपके पास ये हरे वाला आ रहा, ब्लैक नहीं आ रहा जी? नहीं मेरे पास ब्लैक नहीं, मेरे पास हरे वाला। अच्छा, ब्लैक पड़ोसियों के पास है जी ये, ब्लैक ये भाई साहब के पास है। अच्छा जी, अच्छा आप ये हरे वाले का काम करते हैं जी? अच्छा, धन्यवाद दोस्त, अपना मोबाइल नंबर बोल दे। 9999132925 कृष्ण कुमार एंड सन्स। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद दोस्तों। मिलवाते हैं भाई एक और भाई साहब के पास, जिनके पास ये काला अंगूर आया, जान लेते हैं इसका भी क्या कुछ रेट चला। देखो क्या शानदार अंगूर, मोटे मोटे हैं ब्लैक अंगूर, जान लेते हैं भाई साहब के पास आज का क्या रेट। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब क्या नाम है जी अपना? सलमान नाम है जी। अच्छा जी, तो ये कहाँ वाला अंगूर है जी ये? हाँ जी, सोलापुर का जी। तो क्या रेट चला हुआ इसका जी? भाई तो 1200 से लेकर 1400 रुपए। 1200 से 1400 रुपए। और वजन कितना है जी इसमें क्रेट में? वजन 9 से लेकर 10 किलो करेट आती भाई साहब। 9 से लेकर 10 किलो, यार उससे तो पूछना नहीं, याद रहा। वो हरे वाले का कितना वजन होता है? हरे वाले का भी 10 किलो ही करेट में आता है, 9.5 किलो 10 किलो अंगूर सब करेटों में निकलता है। अच्छा, एक ही वजन इसका एक ही होता है, 9.5-10 किलो का जी? तो 1200-1400 का जी है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा सोलापुर का जी है? हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जानकारी दी। यदि किसी को माल खरीदना हो आपकी दुकान पे या माल लगाना हो तो उसके लिए एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भाई? 88004075 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अच्छा, नाम सलमान है। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त। दोस्तों जानते हैं एक और भाई साहब के पास, इनके पास ये लंबे वाले जिसको कैप्सूल अंगूर बोलते हैं, जानते हैं भाई साहब के। देखो कितने लंबे लंबे अंगूर, अलग ही किस्म के हैं, क्या कुछ इसका बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी क्या कुछ बाजार चला जी, कहाँ का माल है जी? ये शोलापुर का माल है जी। क्या बोलते हैं इसको? ये इसको बोलते हैं सुपर सुनाका। सुपर सुनाका, हाँ जी हाँ जी। तो इसका क्या बाजार भाई? इसका बाजार है 700 रुपए से लेके 800 रुपए तक। 700 से 800 रुपए। वजन भाई कितना क्रेट में? वजन है इसमें 11 किलो 500 ग्राम है। अच्छा, रेट क्रेट 10 किलो अंगूर है इसमें। अच्छा, 10 किलो अंगूर निकलेंगे। हाँ जी हाँ जी। क्रेट की तो वापसी होगी बाद में? नहीं वापसी नहीं है, साथ में ही देते। अच्छा जी, क्रेट साथ में है? हाँ जी हाँ जी, क्रेट के साथ। अच्छा जी, अच्छा कोई बात नहीं, धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने। भाई साहब अपनी दुकान का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर? UTCC 2722 9873109927। थोड़ा धीरे बोल दो, ज्यादा स्पीड में बोल दिया। 9873109927। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के। ओके ओके। लो दोस्तों, एक नहीं दो नहीं तीनों से पूछ लिया, बाकी यहाँ पर आएंगे, घूमो फिरो, देखो खाके देखो, फिर मान लो। हैं पपीते की, जानते हैं पपीते का मंडी का क्या कुछ बाजार चला। एक गाड़ी इनके पास अभी अभी आई, अभी तो इसके रस्से खुलने लग रहे, एक गाड़ी वो लग रही इनकी दूसरी दुकान पर। जानते हैं आज का पपीते का मंडी में क्या कुछ रेट चला। नमस्कार सर जी, आज का क्या कुछ बाजार चला जी? आज का वो चल रहा है 6 रुपए किलो 7 रुपए किलो गाड़ी का, बंद गाड़ी का जी। बंद गाड़ी का कितनी गाड़ियां है जी आज? आज कम से कम 35 गाड़ी मंडी में। 35 35 गाड़ी मंडी के अंदर। ये आपके पास दूसरी गाड़ी लग रही? हमारी गाड़ी 3 है आज। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, 35 तो बहुत ज्यादा जी। 35 गाड़ी है, अभी तो 5-6 रुपए चल रहा है। अच्छा जी, और जो एक नंबर ऐसे चल रहा है 10 रुपए किलो 10 रुपए, और जो गाड़ी का पक्को है डाल का हाई शाही रेट 11 रुपए किलो। बस इससे 10-11 बड़े हमारे हल्का माल 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए बस, जो दबा कुचला माल होता है 2 रुपए 3 रुपए इधर बढ़ा दे रही है। अच्छा, दो नंबर 2-3 रुपए रेट उसका। अच्छा जी, हाँ गाड़ी का रेट 7-8 रुपए रेट। काफी मंदा है जी ये तो, फिर मंदा रहेगा जब तो। अच्छा, ये पूरे जनवरी का महीना। अच्छा जी, पूरा मंदा जाएगा। अच्छा जी, और कुछ टाइम जाएगा फरवरी में जाएगा मंदे का टाइम। अच्छा जी, फरवरी के कितने दिन चले जाते हैं? 10 दिन लगभग। हाँ जी, 10 दिन फरवरी के। अच्छा, 10-15 फरवरी के बाद बाजार उठना फिर चलेगा बाजार। अच्छा, माल कमाया तो चलेगा वो भी। अच्छा जी, अगर माल ऐसे आया हाँ जी तो फिर ऐसे पिटेगा रेट। अच्छा जी, हाँ धन्यवाद सर जी जानकारी देने के। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस कॉन्टैक्ट? दुकान नंबर C83, मोबाइल नंबर 85-86-83-97-86। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो बात करते हैं किन्नू की, जानते हैं किन्नू का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला है। भाई साहब के पास ये किन्नू आता है, ये पप्पू भाई साहब, और इनके जो छोटे भाई वो जो अपना बल्लू भाई, जानते हैं आज की दुकान आज का क्या कुछ है इनकी दुकान पे रेट किन्नू का। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी आज का क्या कुछ बाजार चला जी किन्नू का? भाव जी किन्नू का बाजार में बहुत तेजी है। अच्छा जी, जो नंबर एक क्या नंबर एक वाला 35-40 रुपए की पोलिशन है। अच्छा जी, और जो नंबर दो है उसकी पोलिशन है 25-28 रुपए। अच्छा जी, और ये कैसे धारियां वाले हैं? ये हरे वाले हैं 20 रुपए किलो। अच्छा जी, हाँ जी टाइट है आज पोजीशन? आज पोजीशन टाइट है, माल कम है। अच्छा जी, माल पीछे भी महंगा है। अच्छा जी, हाँ दिल्ली की पोजीशन भी टाइट है। अच्छा जी, और भाई साहब ये संतरा नहीं आया? ये अपने संतरा अपने पास आया था, बिक गया।
अच्छा जी, संतरे का क्या रहा भाई? संतरे की पोल्यूशन भी टाइट है, 3100 रुपए का बिका नया संतरा, 41 दाना। 3100 का? 3100 का 41 दाना। अच्छा, और 71 बिका 2100 रुपए का। अच्छा जी, नया चल गया जी? नया संतरा। ये तो पुराने वाला लग रहा है। ये पुराना है, नया बिक के चला गया। अच्छा, सुबह ही बिक जाता है। और पुराने की पोल्यूशन क्या रही भाई इसकी? पुराने की पोल्यूशन है 1200 से लेके 1000 रुपए की। 41 दाने वाले की? 141 दाना। अच्छा जी, और 71? 71 1100, 1150। अच्छा, और वो 291? 191 दाना बिक रहा है, 900 साढ़े 900। अच्छा जी, अच्छा जी। तो यानी दोनों में आज टाइट है? हाँ, टाइट है। माल कमाने की वजह से? कमाने की वजह से। अच्छा जी, अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के। भाई साहब, अपना दुकान का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर? अपना बीटी फर्म है, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, और बाकी अपना मोबाइल नंबर है 84 48 93 99 10। अच्छा, बल्लू मेरा नाम है। धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के लिए। करते हैं तरबूज की, जानते हैं सर देगा तरबूज का मंडी में क्या कुछ रेट चला। देखो जहां तक नजर जाएगी उस तरफ भी वहां तक सन्नाटा, और इधर भी सारे में सन्नाटा। जानते हैं मंडी में आज क्या गाड़ियां भाई साहब की। यहां जो शेरा भाई अपना तरबूज बेचने वाले हैं, इनके पास ये गाड़ी है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, क्या गाड़ियां हैं मंडी में और इतनी कम क्यों आ रही है मंडी के अंदर? आज एक गाड़ी ताजी लगी है। एक ताजी तरबूज की जी? और तीन गाड़ियां कल की बासी। अच्छा, आपके पास ये बासी है का? मेरे पास ये कल की गाड़ी लगी थी। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा बचा लिया क्योंकि मेरे पे गाड़ियां नहीं है अभी। अच्छा जी, तो पीछे तरबूज जो है भाई ये कच्चा है। अच्छा जी, अगर कच्चा तरबूज यहाँ मंगा लो तो बिकता नहीं। अच्छा, ये तरबूज आंध्र प्रदेश का, ये लाल है। अच्छा जी, ये लाल की वजह से मैंने रोकी। तो इसको 2-3 दिन चला लोगे? 3 दिन बिक जाएगा आराम से। अच्छा जी, अच्छा, तो आज क्या पोजीशन है जी? पोजीशन 30 रुपए से लेके 28 रुपए से लेके, हाँ जी, और 36-38 तक। जो जो नंबर एक का है यानी वो 38 रुपए तक है? नंबर एक का 35-36। अच्छा जी, अच्छा, इससे ज्यादा नहीं है रेट। अच्छा जी, और चार दाना 28-30। अच्छा जी, और ये तरबूज जो लाल होता है वो 1-2 रुपए महंगा बिकता नहीं, बाकी फिर मंदा हो जाता है 2-3 रुपए। अच्छा जी, लूज में 3-2 रुपए किलो कम हो जाता है। यानी बिक्री भी कम है और नहीं ग्राहक नहीं है, ये लॉकडाउन लग गया। हाँ जी, लॉकडाउन की वजह से 9 बजे दुकानदारी सबकी बंद हो जाती है दुकानें। अच्छा जी, उसकी वजह से ही फर्क पड़ा है। अच्छा जी, शादी ब्याह से फर्क पड़ा है। पचास है वो आदमी कर दिए शादियों में। अच्छा जी, इसकी वजह से अब कहाँ काम रह गए। हाँ, लॉकडाउन चल रहा है। अच्छा, इधर पब्लिक परेशान। हाँ, ये लॉकडाउन चला है, बीमारी भी। सर्दे का क्या कुछ चला जी बाजार? सर्दा भाई ये भाई नहीं तो क्या बाजार है उसका। अच्छा, नहीं फिर अंदाजा जो किसी पे अंदाजा ये जो देखो घुमा के पीछे को देखो कैमरा। हाँ जी, ये सर्दा आ रहा है गुजरात महाराष्ट्र का। अच्छा जी, इसमें मिठास नहीं है इसलिए ये भी मंदा ही हो गया। अच्छा जी, यानी 30-40 रुपए किलो की रेंज में है। अच्छा जी, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, सर्दे का भी जी? सर्दे का 30-40 रुपए किलो है। अच्छा जी, तरबूज का 28 रुपए से लेके और 35-36 तक है। अच्छा जी, 3 रुपए डब्बे का खर्चा पड़ता ही है, वो तो अलग। हाँ हाँ हाँ, तो सबको ही पता है। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है। शेरा भाई तरबूज वाले, कभी भी तरबूज चाहिए 24 घंटे 12 महीने, शेरा भाई को याद करो, तरबूज हाजिर। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद जी।